अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अनोन मूड। माय नेम इज़ फायज़ा। आज हमारा मूड हो रहा है KFC सैलेड का, तो आज हम आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं KFC सैलेड की। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जो बहुत इजी बिजी करके कोशिश करती हूँ बनाऊँ। ये हमने नमक ले लिया है और काली मिर्च ले ली है, ठीक है, मायोनीज़ ले लिया है। अच्छा, जब मैं छोटी छोटी कटोरियों में रखती ना तो बहुत थोड़ा लगता है, इसलिए मैंने दो दो चमचे लिए हैं। और डालना जो ज़रूरत है, मैंने सैलेड थोड़ी सी मैं जो है कम करके बना रही थी। दूसू का दूध लिया था, ये चीनी है, ग्लैंड हुई भी चीनी है, ठीक है। पाउडर शेप में चीनी बनानी है हमने, ठीक है। शुगर है तो कम डाल लिएगा, शुगर नहीं है तो फिर आप लिक्विड दूध लिया है ये हमने। ये भी हमने ज़ाहिर सी बात है, हम एक चमचा लेते तो बहुत थोड़ा दिखता, तो हमने दो चमचे लिए। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो ये कद्दूकश हर घर में होता है, ठीक है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, हम उससे कर लेंगे छुरी से भी। ये इस तरफ वाले एरिया से, मोटा जो एरिया होता है उस तरफ से काटना है हमें। गाजर ले ली है, ठीक है। गाजर इसमें सैलेड में ना कम यूज़ होती है, ठीक है। गोभी ज़्यादा यूज़ होती है, तो गोभी को हम गाजर को पहले काट लेते हैं और इसको जो है और बारीक करना है हमने। अभी इसको इस तरीके से इसमें काट लेना है। अच्छा, ये सैलेड मर्दों औरतों के लिए ख़ास तौर पे ज़्यादा फ़ायदा करती है। वैसे खानी सबको है, ये जेंट्स हज़रात भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। सैलेड तो वैसे भी वेट लूज़ भी करती है, गोभी से जो है ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदा करती हैं। किसी वक्त उस पर भी वीडियो बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह। ये देखें, जब भी आप बाज़ार से लेके आएँ तो इसका पहला पत्ता उतार के तो फिर आप इसको जो है करें, धोएं और इस्तेमाल करें। ये चीज़ आगे से काली हो जाती है अक्सर, मगर इसको थैली में ही करके रखें तो अच्छा है। मोटी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, मैंने इस पर रख के दिखाया है, ये हमारे लिए नहीं इस सैलेड में डलेगी, ठीक है। बारीक बारीक ही सैलेड होती है, KFC जाएँ तो हमें बहुत ज़रूर ऑर्डर करते हैं। अच्छा, हमने इसको और बारीक कर लेना है ताकि ये जो है बराए नाम ही होती हैं ये वहाँ पर भी, और सैलेड जो है डिफरेंट तरह की होती हैं। आज मैं KFC सैलेड आप लोगों के साथ रेसिपी ट्राई कर रही थी, शेयर कर रही थी, ट्राई नहीं कर रही थी। तो ये हमने इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छा, चमचा भी और हल्के हाथ से चलाना है, ठीक है। जैसे तो वो जो है ना खिली खिली रहे, ये नहीं हो कि मुरझा जाए बिल्कुल। KFC सैलेड जो खिली खिली अच्छी लगती है, इनको हल्के हाथ से करना है, ठीक है। ये हमने पहले गाजर अच्छे तरीके से सब जगह मिक्स कर लेनी है, ना हो कि गुच्छा बन जाए। अच्छा, इसको भी हिसाब से डालना है, पहले पाउडर ही डालना है। हमने काफ़ी दफ़ा घर में ट्राई की, एक चमचा पाउडर डाला है हमने, ठीक है। पाउडर मिल्क है ये, ठीक है। मैं बता दूँ क्योंकि मैं आधी आधी बातें कर जाती हूँ, भूल जाती हूँ बातें बातों में ही कि क्या रेसिपी है। और ये हमने मायोनीज़ ली है, ठीक है। मायोनीज़ भी बहुत सारी नहीं डालनी है, ठीक है, एक ही चमचा लेना है हमने। और इसको भी हल्के हाथ से चलानी है, बहुत दबानी नहीं है। और ये मैं दबा नहीं रही हूँ, इसमें फास्ट फॉरवर्ड लग रहा है, तो मिक्स करनी है इनको ना एक दूसरे के साथ, ताकि ये हर जगह से मिक्स हो जाए और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। हम जब भी जाते हैं KFC तो ज़रूर ऑर्डर करते हैं, तो हमने कहा घर में भी ट्राई करते हैं। तो काफ़ी दफ़ा ट्राई की, तो हमने कहा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। शुरू में हमसे रेसिपी ख़राब भी बनी है, तो हमने वो नहीं शेयर करी। मगर वो क्या होता है कि मायोनीज़ का भी ज़्यादा, तो ये चीज़ें बहुत ख्याल करनी है। जिस चीज़ का टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़ आप ज़्यादा कर लें अपनी। बहुत ज़्यादा चलाने से भी ख़राब हो जाती है, रंग छोड़ देती है। लास्ट टाइम गाजर ये भी है, हर जगह गाजर। अभी ये बाहर कंट्रीज़ में जो ना गाजर वो ऐसी आती हैं जो कलर निकालती हैं, क्या करती हैं। और गाजर कम डालनी है, इसलिए हमने मिर्च और नमक डाला है, ये भी डाल लें, इससे भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है। लिक्विड दूध लेना है एक चमचा, ठीक है। लिक्विड दूध कम ही लेना है, ठीक है। उससे फिर ये नहीं हो कि आपके बिल्कुल पानी पानी हो जाए, वो अच्छी नहीं है। ये रेसिपी तैयार करें आप और हमें कमेंट्स बॉक्स में अच्छी अच्छी मैसेजेस डाला करें, ताकि हम पढ़ के खुश हों। पढ़ के बहुत खुशी होती है।
हमारी रेसिपी रेडी हो गई। अपनी रेसिपी रेडी करके हमें ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसे तैयार हुई है। KFC सैलेड का नाम ही सुनकर बच्चों को बहुत मज़ा आ जाता है और ये इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे तो रेडी हो गए हैं, अब मुझे वीडियो बनाना मुश्किल हो रही है, जल्दी से मैं इन लोगों को दे दूँ। तो आप लोग भी ट्राई करें और इंजॉय करें अपनी लाइफ को, दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं आप कमेंट्स बॉक्स की तरफ, तैयार हुई है कमेंट्स बॉक्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, कमेंट्स डाला है ना, अमेजिंग रेसिपी पैनकेक रेडी, मतलब पैनकेक शेयर करें हम आपके साथ, इंशाल्लाह जल्द शेयर करेंगे। मगर अपने कमेंट्स में नाम ज़रूर लिखा करें अपना, अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी पढ़ने में। नादिया रिजवान ने बोला है, वाह लव यू, ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी चीज़ें बनाएं और हमारा दिल खुश करें। इंशाल्लाह हम बहुत सारी रेसिपीज़ लेके आएंगे, आप अपनी अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हैं, थैंक यू लव यू का भी। और आपको भी जो चीज़ बनवानी है तो कमेंट्स में बताएं, हम तो ज़रूर रेसिपी रेडी करेंगे आपके लिए और आपके साथ शेयर करेंगे। बहनों की दुनिया का चैनल है ये, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार कीमा रेसिपी है, इनकी तरफ जाएं सब लोग, ये लाइव आती हैं और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस देती हैं और बहुत खुशी होती है इनसे बात करके, और इससे इनके चैनल पर जाके फ़ायदा भी बहुत होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब एक ही दफ़ा होता है और फ्री होता है। बेल दबा लीजिए, बेल एक ही दफ़ा दबानी होती है जिससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो मिल जाएगी आपको आराम से। लाइक आपको हर वीडियो पे करना है मुझे। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।